दोस्तों लैपटेक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे पास एक डेल 3500 का बोर्ड है और इसमें डी रैम पावर ओके की सप्लाई गिर रही है। तो आइए आज हम लोग इसका एग्ज़ामिन करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है। तो आइए देखते हैं बोर्ड को। मैं फिर से हाज़िर हूँ उसी बोर्ड के साथ जहाँ तक मैंने छोड़ा था पिछले हफ्ते आपको। और ये मेरे पास डेल 3500 का बोर्ड है जिसका कि पार्ट नंबर था LA9104P और ये बहुत ही कॉमन बोर्ड है रिपेयर करने के लिहाज से, जैसा कि मैंने पिछले बार ही बताया था। तो इसमें मैंने काफ़ी कुछ चेक कर लिया था और मैंने आपसे लास्ट में कहा था कि मैं इसका चेंज करूंगा, पहले देखूंगा कि इसकी जो 25 मेगाहर्ट्ज़ की क्रिस्टल है इसको मैंने चेंज किया, लेकिन फिर भी कंडीशन अभी भी आप देख सकते हैं। मैं पावर लगा देता हूँ आपको, मैं कंडीशन अभी भी दिखा देता हूँ। ये कंडीशन अभी भी सेम दिखा रहा है। आप ज़रा एम्पियरेज को देखेंगे, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ये ऑन होता है, एम्पेरेज हाई उठाता है और फिर ये लो हो जाता है। ये इसकी कंडीशन बार बार दिखा रहा है। इसको फिर से ऑन करता हूँ, ये ऑन हुआ, कभी 40 उठा लेगा, कभी फिर 30 उठा लेगा, ये ड्रामा कर रही है। तो जहाँ तक मैंने चेक किया इसे, तो फिर मुझे यही कंफर्म हो गया कि इसके अंदर ये पावर मैनेजमेंट सेक्शन है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सिस्टम पावर मैनेजमेंट जो कि PCH का एरिया है और यहाँ पर जो है जो डी रैम पावर ओके हमारी ड्रॉप कर रही थी जिसका कि नंबर था UC2 पर, ये एरिया जो सप्लाई आ रही थी यहाँ पर डी रैम पावर गुड पर, ये इस पॉइंट से आ रही थी। इसमें एक ख़ास बात ये भी होती है कि ये PM डी रैम पावर गुड ये टाइड होती है, यानी कि जुड़ी हुई होती है प्रोसेसर के SM डी रैम पावर ओके से। तो प्रोसेसर का भी ख़राब होने का चांसेस लग रहा था मुझे, तो लेकिन मैंने उसकी भी पूरी इनपुट्स वगैरह सारी चेक कर डाली है। तो अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि इसमें जो है प्रॉब्लम मुझे यहीं से लगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी PCH को अब मैं निकालूंगा। जो ये PCH लगी हुई है इसके अंदर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, देखेंगे कौन सी है PCH। SLJ80 होनी चाहिए इसमें, तो इस SLJ80 को हम लोग अभी चेंज करेंगे। इसके बाद हम लोग इसकी कंडीशन देखेंगे, जो अभी कंडीशन जैसी आपने देखी है तो इससे बेहतर हो जानी चाहिए और डिस्प्ले आ जाना चाहिए आई होप। तो चलिए अब हम लोग इसमें IC रिप्लेस करते हैं, उसके बाद हम लोग कंडीशन देखते हैं इसकी, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इसको कि क्लीन करेंगे, और क्लीन करने में एक चीज़ का ध्यान रखना हमें कि पूरा सरफेस एकदम क्लीन होना चाहिए। तो जो इस पर लेड फ्री जो ट्रैक बना हुआ है इस पर आप जो है ना पहले अपना जो भी आपके पास होल्डर है वो लगा लीजिए ताकि ये आराम से क्लीन हो जाए। तो ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम और जूम करके दिखा देता हूँ। क्विक कट डिसोल्डर वायर बहुत अच्छा होता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये लगता है ग्लू लगा रह गया साइड में, तो इसको निकाल रहे हैं ताकि IC आराम से बैठ जाए।
देख सकते हैं ये पूरी तरह से एकदम क्लीन हो चुका है। ठीक है, अब आइए आप लोग इसमें आप ऐसी लगाते हैं, फिर देखते हैं इसमें कि जो ऑन होकर के जो इसका एम्पियर गिर रहा था और जो हमारी डी रैम पावर होके नहीं निकल रही थी, जो कि बैठ जा रही थी और इसके पावर मैनेजमेंट से ही प्रॉब्लम थी, तो इसको हम लोग अब रिप्लेस करने के बाद फिर चेक करेंगे। तो आइए इसमें अब आप आईसी लगाते हैं। ये बोर्ड है मेरे पास और ये SLJ8E मैंने इसे निकाल कर रखी है। इसमें डी रैम पावर ओके नहीं बन रही थी, जिसमें मैंने जो डायग्नोस किया था इसमें ये पाया कि SLJ8E ख़राब हो चुकी है। तो इसे SLJ8E को मैं हम दूसरे बोर्ड से निकाल करके लगा के यूज़ करेंगे। तो पहले मैं इसको आपको निकालने का प्रोसेस दिखा देता हूँ कि इसके अंदर लेड फ्री बॉल है और इसमें टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होगी 280 डिग्री तो चाहिए होगा कम से कम। तो डिपेंड करता है कि कौन सी BG मशीन आपके पास है। हमारे पास जुमाओ की मशीन है 5830 और बहुत अच्छी मशीन है, 8 साल से तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये 270 डिग्री सेल्सियस होगा तो मैं इसको ट्राई करूँगा निकालने के लिए। ये SLJ8E IC है जिसको रिवॉल्व किया है, जो दिखाया था मैंने आपको कि बोर्ड्स निकाला था मैंने, तो ये रिवॉल्विंग हुई है, देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट रिवॉल्विंग हुई है इसमें। अब इसको हम लोग बोर्ड के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड का एरिया क्लीन कर लिया गया है, इसके ऊपर अब हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो ये BG मशीन के ऊपर रख दी गई है, अब इसके ऊपर IC राजेश सेट कर रहे हैं। चूँकि इसमें अच्छी बात यह होती है कि ट्रैक चारों तरफ से होते हैं, निशान बना हुआ होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ अभी, ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बैठ गई है यहाँ पर। चूँकि वाइट कलर का मार्किंग होता है तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये मार्किंग के ऊपर आपको बैठा देना है। अब नोज़ल ला के लगा देते हैं उसके ऊपर। चूँकि ये रिवॉल्व की गई है लेडेड बॉल से, तो मुझे लगता है कि 250 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट हो चुकी हो मेल्ट हो जाएगी। तो मेल्ट होने के लिए इसमें 250 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा। तो इसके अंदर मेरा अभी यहाँ पर 280 डिग्री तक सेट किया हुआ है, तो हम लोग बंद कर देंगे मैन्युअली इसे। जैसे ही ये 250 डिग्री और 60 डिग्री तक पहुँचेगा तो इसको हम लोग मैन्युअली ऑफ़ कर देंगे। तो अभी ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जैसे ही लग जाती है फिर मैं आपको इसका स्टेटस दिखाता हूँ। जो इसके अंदर डी रैम पावर ओके नहीं बन रही थी, तो इसके लिए जो हम लोगों ने डायग्नोस किया था कि ये जो है PCH की जो पावर मैनेजमेंट है, यहाँ से ये लो आ रही थी, वोल्टेज लो कर दे रहा था, ये जो पुल अप वोल्टेज थी इसको लो कर दे रहा था। तो अब जैसे ही लग जाता है तो फिर मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। तो जैसा देख रहे हैं कि इसमें जो है हम लोगों ने IC चेंज कर दी है, तो ये SLJ8E इसमें रिप्लेस कर डाली है हम लोगों ने। अब जो देखते हैं कि जो डी रैम पावर होके हम लोगों की गिर रही थी, जो 200 मिली एम्पेयर तक आ जा रहा था लोड, तो अब वो ठीक हुआ है कि नहीं, तो एम्पेयरेज पर भी देखते रहेंगे हम लोग कि ये गिरता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको इसमें स्क्रीन लगा दी हमने, तो ये हमारी टेस्टिंग की स्क्रीन है, इसको मैं ऑन करता हूँ, पावर लगा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं ऑन करता हूँ। तो देखिए ये 533 मिली एम्पेयर गया, और जैसा कि इसको एक बार हार्ड रीसेट करने की ज़रूरत होती है, तो एक बार मैं ऑफ़ कर देता हूँ और फिर से ऑन करता हूँ। ऑन किया मैंने, ये एक बार अगर रीस्टार्ट हो गया, जैसे हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ डिस्प्ले आ जाएगा। ये पहले हम लोगों का गिर करके 200 मिली एम्पेयर तक आ जा रहा था लोड, जैसा देख रहे हैं कि ये परफेक्टली डिस्प्ले आ चुका है। तो समटाइम ऐसा होता है कि आपको जो है रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, IC नहीं बचती है, तो हम वो भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर आपका कोई केस इस तरह का फंसता है तो आप उसके लिए भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको एडवांस लेवल का रिपेयरिंग ट्रेनिंग चाहिए तो आप उसके लिए भी हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
आई होप दोस्तों कि आपने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि टाइम टू टाइम हम लोग आपको इसी तरह से अपडेट प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।